हेलो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम चैप्टर फोरटीन ऑफ एनसीईआरटी आर टी क्लास टेन्थ हेयर वी हैव टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट फॉसिल फ्यूल्स एंड द सन एज डायरेक्टर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मीन्स वी हैव टू कंपेयर फॉसिल फ्यूल्स एंड सोलर एनर्जी सो वी विल मेक टेबल फॉसिल फ्यूल्स एंड हेयर इज एनर्जी और वी कैन से सोलर एनर्जी तो अब आप इनके बीच में कंपेयर करेंगे मीन्स इनके बीच में आप कुछ पॉइंट लिखेंगे अब देखिए सबसे पहला पॉइंट है हम फोसिल फ्यूल को बार बार यूज में ले सकते हैं जबकि यहां पर हम सोलर एनर्जी को बार बार यूज में सॉरी फोसिल फ्यूल को हम बार बार यूज में नहीं ले सकते जबकि सोलर एनर्जी को हम बार बार यूज में ले सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कांट बी यूड अगेन एंड अगेन और सोलर एनर्जी कैन बी यूड अगेन एंड अगेन सेकेंड पॉइंट देखिए हमारे पास ये हो सकता है कि जब हम फोसिल फ्यूल को यूज करते हैं तो हमारे पास जो गैस जो गैस डराइव होती हैं वो काफी जहरीली होती हैं तो आप यहां से लिख सकते हैं कि गैसेज प्रोड्यूस्ड आर पॉइजनस और हार्मुल एंड इन सेकेंड पॉइंट ऑफ सोलर एनर्जी वी कैन से दैट नो हार्मुल गैस इज प्रोड्यूस्ड थर्ड पॉइंट इन फोसिल फ्यूल्स विल भी हम फोसिल फ्यूल को आसानी से स्टोर कर सकते हैं So we can राइट कैन बी stored easily जबकि हमने सोलर एनर्जी में अभी तक कोई भी ऐसी तकनीक नहीं बनाई जिससे हम इसको आसानी से स्टोर कर सकें तो कैन नॉट बी स्टोर्ड इजिली चौथा पॉइंट देखिए हम लिख सकते हैं फोसिल फ्यूल में कि फोसिल फ्यूल को हम दिन या रात कभी भी यूज कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कैन बी यूज एट एनी टाइम लेकिन सोलर एनर्जी में मतलब जो हमारी सन की एनर्जी होगी वो तो केवल तभी यूज में आ सकती है जब सन हमारे पास आ रहा होगा हमारे निकला होगा जब सन राइज हुआ होगा तो आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी को हम रात में यूज नहीं कर सकते हैं कैन नॉट बी यूज इन नाइट फिफ्थ पॉइंट हम फोसिल फ्यूल में लिख सकते हैं कि फोसिल फ्यूल मीन्स जितने भी हमारे ऐसे फ्यूल हैं जो फोसिल फ्यूल्स हैं जैसे कोल पेट्रोलियम जो अर्थ की कृष्ट से हमें मिलते हैं ये काफी कॉस्टली होते हैं सो वी कैन राइट वेरी कॉस्टली एंड इन सोलर एनर्जी दिस इज वेरी इजिली अवेलेबल एंड वेरी चीप बिकॉज अगर हम सोलर एनर्जी के लिए ऑप्टेन करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो वो काफी सस्ता होता है